तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिविस लेबोरेटरीज के स्टॉक के बारे में। डिविस लैब के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.06% की यहाँ पर एक मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम अभी स्टॉक की बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक में 3841 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3924, और अगर यहाँ पर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 4066, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 4179, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक किया देन हमको यहाँ पर स्टॉक है 4298, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 4429, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 4534 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस भाई, यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3759 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3675, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन आपको यहाँ पर स्टॉक में 3576 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट आपका सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।